नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं बेबाक बात। आज मध्य प्रदेश के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल साहब हमारे साथ में। कमल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, स्वागत है जी। आज आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आज दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया उसको लेके क्या सोचते हैं, वहीं से शुरू करें। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया उसमें कोई नई बात नहीं है। ये शुरू से ही देश के खिलाफ बोलते हैं, इस देश की संस्कृति के खिलाफ रहे, इस राष्ट्र के हित जितना हो सकता है वो सब करने में, समाज को तोड़ने में लगे रहे। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं वो। पाकिस्तान एक हमारा दुश्मन देश है। आज़ाद भारत में 73 साल में जो कोई काम नहीं कर पाए वो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद और गृहमंत्री हमारे अमित शाह जी ने किया। जनसंघ की जो शुरुआत थी और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा वो प्राणों से भी प्यारा है। और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाएंगे, ये जो मांग राष्ट्र की मांग थी, वो देश की अखंडता के लिए मांग थी। नेहरू जी ने जो गलती की, तुष्टिकरण की नीति अपनाई, जिसके कारण देश के अंदर ये आतंकवाद की और अलगाववाद की जो समस्या पैदा हुई वो नेहरू जी ने की थी, अनुच्छेद 370 की छूट दे के। लेकिन उस समय कहा गया था, वहाँ सबने विरोध किया था, लेकिन कुछ समय के लिए थी। लेकिन कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति अपनाकर वोट बैंक की राजनीति करके 60 साल सत्ता में रही और देश को कमजोर किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, गृहमंत्री अमित शाह जी बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो बलिदान हुए थे, उस बलिदान को सार्थक किया और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर देश को अखंड और शक्तिशाली और एक देश एक राष्ट्र और पूरा देश एक है, जो अलग करती थी अनुच्छेद 370 भारत से, कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को भारत से अलग करती थी, उसको ख़त्म किया और पूरे देश को एक किया। एक तरह से कश्मीर को आज़ादी दिलाई है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो इनको तकलीफ हो रही है। और ये पाकिस्तान की भाषा जो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं, ये कांग्रेस की भाषा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और देश का हर नागरिक देशभक्त उसका विरोध करता है। लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी अभी चुप है। सोनिया जी, या तो दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस से बाहर करो, और या फिर आप भी माना जाएगा कि पाकिस्तान की भाषा और पाकिस्तान के विचार के साथ है, पाकिस्तान के साथ है जो हमारा दुश्मन देश है। और इसलिए अब जनता में आप सब एक्सपोज हो गए हो कि आप देश के साथ नहीं हो, पाकिस्तान के साथ। ये पहली बार तो नहीं दिग्विजय सिंह ऐसा बोले हैं। बटाला हाउस पे भी उन्होंने बड़े बयान दिए थे, हिंदू आतंकवाद एक नया नाम निकाल के लाए थे, भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। उनको भगवा, मेरे को कहते थे कि ये भगवा दुपट्टा ठीक नहीं, जो मुख्यमंत्री तो हटा लो इसको। मैंने कहा ये तो जीवन भर रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। अच्छा, जान चली जाए लेकिन भगवा नहीं हट सकता। इनको भगवा आतंकवादी दिखते हैं, लेकिन जो आतंकवादी है वो इनको हाफिज जी कहते हैं, ओबामा जी कहते हैं, यानी लादेन को जी लगाते हैं और देशभक्तों को गालियां देते हैं। तो ये समझ जाओ कि ये देश के हित में है कि देश के विरोध में, हमेशा विरोध में रहें। और इसलिए इनकी ये स्थिति हुई है, कांग्रेस की भी स्थिति इसीलिए हुई है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का नागरिक भारत की बजाय पाकिस्तान की भाषा बोलता है, वो पूरे भारत के नागरिक देख रहे हैं। और इसलिए ये तो जनता की नज़रों से, देश की नज़रों से गिरे, लेकिन कांग्रेस भी खत्म हो रही है, देश की नज़रों से गिर रही है। मैंने आज सोशल मीडिया पे जो युवा वर्ग है इतना विरोध कर रहा है दिग्विजय सिंह साहब का, इस बार इस बयान के बाद चौतरफा विरोध हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने, इधर मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, आपने, सबने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया एकदम। ये हमने नहीं, अगर कांग्रेसी भी है वो देशभक्त है तो वो भी इनके खिलाफ है। सोनिया जी को बटाला हाउस में आतंकवादियों के, आतंकवादियों का सफाया होता तो रात भर सोती नहीं, उसको नींद नहीं आती। दिग्विजय सिंह जी, हाय तोबा, सब लुट गया, लेकिन देशभक्त को गाली देना और देशद्रोहियों को और आतंकवादियों को संरक्षण देना, उनको समर्थन करना, ये इनके खून में, इनके आचरण में है, उनकी विचारधारा में है, ये गलत है। ये आपको, आपको रोक रहा हूँ। मोदी साहब जब देश के प्रधानमंत्री बने, मुझे लगता है तब से दिग्विजय सिंह जी थोड़ा सा और ज्यादा बौखला से गए। दिग्विजय सिंह जी भी बोखला गए, सटिया गए, यहाँ तक पूरी कांग्रेस के नेता, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इन्होंने सोचा कि गांधी जी के नाम पर अपन ने 60 साल राज किया और जीवन भर करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। लेकिन ये
भूल गए कि हमारे पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, भोले भाले थे, उनको आप गुमराह करते रहे, लेकिन धीरे धीरे जनता जागरूक हुई है, पढ़ी लिखी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्त पार्टी है, हमारे लिए पहले देश फिर पार्टी फिर हम, और कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है। गांधी जी के नाम का उपयोग किया लेकिन गांधी जी के विचार को नहीं अपनाया, एक भी गांधी जी के विचार को कांग्रेस ने 60 साल के राज में धरती पर नहीं लाए। सिर्फ सत्ता प्राप्त कैसे और सत्ता को लूटे कैसे, इसलिए भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, अलगाववाद की जननी कांग्रेस, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस, आतंकवाद की जननी कांग्रेस की कश्मीर समस्या के कारण, और इसलिए देश को गरीबी रखने वाली कांग्रेस, बेकारी करने वाली कांग्रेस। 60 साल जवाब देना चाहिए ना इनको, 60 साल में किया क्या इन्हें, 60 साल में एक शौचालय तक नहीं बनाया, एक शौचालय गाँव में किसी का पक्का शौचालय नहीं बनाया गरीब का। हमारी माता बहनें लोटा लेके जाती थी, 10 बार उन पेट लगा जब सोच जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और सबसे पहले उन्होंने हमारे माथे पे जो कलंक था वो मिटाया और खुले शौच से मुक्ति दिलाई और माता बहनों को सम्मान दिलाया। एक आरोप बीजेपी पे, संघ पे दिग्विजय सिंह लगाते रहे और कांग्रेस भी लगाती रही है कि बीजेपी और संघ में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं हुआ, ये देश की बात कैसे करते हैं? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस देश के हर देशभक्त ने लड़ाई लड़ी है। उस समय कोई राजनीतिक कहां थी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी जब देश गुलाम था, तो हर व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, महिलाएं, युवा सभी। और इसलिए उस समय राजनीति थी नहीं, सभी हम देशभक्त थे और सबने काम किया। हाँ, कांग्रेस जो उस समय थी वो कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं थी, और इसलिए कोई सभी लोगों ने मिलकर कांग्रेस के उस समय नेतृत्व में काम किया। डॉक्टर हेडगेवार जी, सरसंघ चालक जी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और आजादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जब देश आजाद हुआ तो पहले उद्योग मंत्री रहे। और इसलिए ये कांग्रेस ही कहते हैं कि कांग्रेस ने बलिदान दिया, गलत है। उस समय राजनीतिक पार्टी थी नहीं, राजनीति तो देश आजाद होने के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए और फिर राजनीतिक पार्टी बना के चुनाव लड़ो, और लोकतंत्र में इसी देश के तो लोग हैं। आपको क्या लगता है, लेकिन जी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उससे कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने जो नेता थे नेहरू जी, कायदे से तो जब देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था सांसदों ने, बहुमत उनका था, लेकिन नेहरू जी चालाकी से बन गए और देश को उसी दिन से तोड़ने का काम किया पहला। नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरी रियासतें मिला दी थी, लेकिन कश्मीर की जिम्मेदारी नेहरू जी ने ली। और इसलिए आज तक जो अलगाववाद वहाँ पर, आतंकवाद, और कश्मीर देश का बिन एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण हुआ, जिसको देश ने इतने साल भुगता। मैं बधाई देना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार को, कि उन्होंने जो गलती नेहरू जी ने की थी 60 साल में कांग्रेस ने उसकी दुरुस्त नहीं किया, सुधारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुधारा, और उसके कारण अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब एक देश एक विधान, एक राष्ट्र एक जन, अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अभी आपने गांधी जी का जिक्र किया कि आज़ादी के बाद उन्होंने कहा था आप कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उससे कांग्रेस शोने शोने समाप्ति हो जाएगी? नहीं, कांग्रेस तो खत्म हो गई, जनता की नज़रों से गिर गई। अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब देखा लोगों ने, तुलना करते हैं ना कि कांग्रेस ने 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाया, मोदी जी आए 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर करोड़ों शौचालय बन गए, अब खुले शौच से देश मुक्त हो गया। एक 60 साल में पक्का मकान नहीं बनाया कांग्रेस ने, इंदिरा आवास आते थे, एक अनार 100 बीमार, तीन एक दो तीन 100 साल तक नहीं बनते, लेकिन मोदी जी ने लक्ष्य रखा कि 2024 तक सबको मकान, तो प्रधानमंत्री आवास में पक्के मकान, एक हॉल, एक किचन, एक बरामदा और लेटरिन बाथरूम सहित पक्का मकान दिया, करोड़ों मकान बना दिए। गरीबों की गरीबी की बात करती, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी हटाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, गरीब नहीं हटी बल्कि गरीबों की लंगोट तक छीन ली, गरीबों के नाम पर पूरा पैसा खा गए, और इसलिए देश गरीब रहा। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद गरीबों के लिए, माता बहनों के लिए उन्होंने कहा कि चूल्हा फूंक फूंक के इनकी आँखें खराब हो गई, उनको गैस टंकी चूल्हा निःशुल्क दिया, गरीबों के कभी बैंक में अकाउंट नहीं थे तो 38 करोड़ गरीब लोगों के जनधन खाते खुलवाए, और जनधन खाते ही नहीं खुलवाए, उनके बैंक में पैसा सीधे आने लगा। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे,
वो कहते थे मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ, गांव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते। मैं नहीं कह रहा हूँ, राजीव गांधी जी टीवी पर बोलते थे, वो 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते हैं। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो 425 लोकसभा सीट कांग्रेस की थी, पंच से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, मुख्यमंत्री सब कांग्रेस के थे, तो दलाल किसके हुए? कांग्रेस के हुए। और इसलिए मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, इन्हें खा गए देश को, कैंसर की तरह, दीमक की तरह चट कर गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए सत्ता परिवर्तन से उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन किया। यानी पहले दिल्ली में बजट होता था, फिर वो कहते थे प्रांत वाले आ जाओ, जो पैसा दे के जाएगा 5% उसको देंगे जिस राज्य को, तो जिस राज्य को पैसा चाहिए वो अधिकारी जाते थे वहाँ दे के आते थे, तब बजट आता था। फिर जब वो 5% दे के आते थे तो वो जिले वालों से कहते थे कि जिले वाले आ जाओ, जिनको चाहिए कम पैसा है जो जाके दे के जाएगा 10%, सुनिए 10% दे जाओ। फिर जिले वाले कहते थे जनपदों से कि जो जनपद देगी, और फिर जनपद सरपंच से, और सरपंच फिर, तो 50% फिर 80% पैसा चला जाता था, इसलिए काम नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, यानी व्यवस्था परिवर्तन के, जनधन खाते खुलवा दिए सबके, मैंने बताया 38 करोड़ खाते सीधे, न प्रदेश की, न जिले की, न जनपद, सीधे खातों में पैसा जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे गैस टंकी चूल्हे का हो, जो भी राशि किसान सम्मान निधि, एक पैसे का कोई करप्शन नहीं लगा सकता, एक बिचौलिया खत्म कर दिए, सीधे पैसे प्रधान, इसलिए मकान भी बने हैं, शौचालय भी बने हैं, गैस टंकी, और हर काम हुआ है। ये है मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था मोदी जी ने सब किया, और इसलिए जनता का दिल जीता, विश्वास जीता। इसीलिए मोदी जी को टारगेट किया गया था चौकीदार चोर है कह के, और इसीलिए इनको लगता है कि हमारी 60 साल की पोल खुल गई, 60 साल बनाम 7 साल, और उसके हम तो खुले किसी भी मंच पे आके तैयार है, बैठ के टीवी पे चर्चा कर ले, चौपाल पे चर्चा कर ले, जनता के बीच में जाके चर्चा कर। हम टंके की चोट पे कहते हैं कि अगर 60 साल बनाम ये 7 साल की तुलना करेंगे तो 60 साल पर मोदी जी के 7 साल भारी पड़ेंगे। हर क्षेत्र में हमने ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो नारा है प्रधानमंत्री जी ने दिया, अखिल नारा नहीं था, चरितार्थ किया है। और कांग्रेस नारा देती थी, उल्टा काम करती थी, और इसलिए कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई, और मोदी जी ने जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है, और विकास किया, और उसके बल पर ही दोबारा चुनाव जीते, और तीसरी बार भी रहेंगे, और चौथी बार भी रहेंगे। कांग्रेस का दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बहुत स्पष्ट कोई कहना नहीं है, लेकिन ये कहा है कि ये दिग्विजय सिंह का निजी बयान है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का देना लेना नहीं है तो विरोध करें ना, पार्टी से बाहर करें ना, देश विरोधी बयान दिया है। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इसके बयान से हमारा लेना देना नहीं है, तो कांग्रेस से बाहर करिए दिग्विजय सिंह को, क्योंकि ये खाली दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है, देश विरोधी बयान है, ये पाकिस्तान के समर्थन में दिया गया बयान है। क्या मानते हैं, एक्शन होना चाहिए दिग्विजय सिंह? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, और नहीं होती और नहीं होगी एक्शन, इसलिए क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता वैसी रही है, देश विरोध में क्या करेंगे, क्या करेंगे कार्रवाई, और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा साहब, उन्होंने तो कहा है कि एनआईए जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। दुश्मन देश पाकिस्तान कहता है कि ये कश्मीर में वापस लागू होना चाहिए 370, और वही बात दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव रहे, मुख्यमंत्री रहे दो बार, वो कह रहे हैं, नहीं कांग्रेस कह रही है, तो ये देश के विरोध में है, और पाकिस्तान दुश्मन देश के समर्थन में है, इसलिए ये देश विरोधी वक्तव्य है, ये राष्ट्र विरोधी वक्तव्य है, इनके खिलाफ एनआईए से जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत आक्रामक और सहज नेता हैं कमल पटेल, इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कमल पटेल जी से चर्चा का ये दौर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, किसानों के नेता कमल पटेल साहब हमारे साथ हैं, खुद भी किसान हैं। राजनीति की बात की, अब हम खेती किसानी की बात करते हैं। मोदी ने बहुत काम किए, आपने बहुत काम किया, आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने सबसे पहले कहा था कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, और मुझे लगा है कि जब से आपने शपथ ली तब से आप खेत किसान इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे, मतलब बड़ा काम है, आप इसी काम में लगे हुए हैं। नहीं देखिए, पहले तो मैं किसान हूँ, और मुझे कृषि विभाग माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने यही गमान दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि किसानों की चिंता करना, किसान के आनंद आ रहा है इस विभाग में, बहुत आनंद आ रहा है। मैं पहले राजस्व मंत्री था, तो मैंने राजस्व विभाग में इतने परिवर्तन किए गांव में कि आबादी का मालिकाना हक, जो मैंने हरदा से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कि गांव की आबादी का मालिकाना हक मिलना चाहिए, वर्षों से हमारे पुरखों के समय से रहते आए, लेकिन मालिक नहीं होने से न तो हमको 1 रुपये की जमानत होती है, न लोन मिलता, न लिमिट मिलती है, और इसलिए किसान मजबूर हो गया खाली खेती करने के लिए, मजदूरी गाँव का व्यक्ति।
व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे नहीं कर पाया और इसलिए एक बेरोजगारी भी बढ़ी और लोग शहर की ओर पलायन हुए। और इसलिए मैं गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मैंने एक कानून बनाया था कि गांव की आबादी में गांव बसता है, आबादी वाले को हटा नहीं सकते तो मालिक को ना बना दे। और इसलिए हमने उस समय मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक एक पायलट प्रोजेक्ट करके हरदा जिले के मसनगांव गाँव को और भाट परिडे दो गाँव को हमने पूरे मालिकाना के दस्तावेज दिए थे मुख्यमंत्री अधिकार पुस्तक। और उसके बाद फिर मैं हट गया दो अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। और मैंने उस दिन कहा था कि गांधी जी का सपना कांग्रेस ने पूरा नहीं किया लेकिन हमने किया, और इसलिए सच्चे गांधीवादी हमें। गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा, लेकिन गांव के विकास के ऊपर रोड़े अटका रखे थे कांग्रेस की सरकार ने। और मालिकाना हक मिलने से विकास के द्वार खोलेंगे और गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। और उसके बाद में दो गांधी जयंती के दिन देश का पहला गांव मसनगांव आजाद हुआ था आर्थिक रूप से। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को, जिन्होंने 24 अप्रैल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पिछले बार 2020 को 5 राज्यों को लिया, उसमें मध्य प्रदेश भी एक था। और मध्य प्रदेश में 2 जिले पायलट प्रोजेक्ट में लिए थे जिसमें हरदा और डिंडोरी था। और हरदा जिला मैंने पीछे पड़ के, चूँकि योजना शुरू मेरे मन में तड़प थी, तो 2 गांव हुए थे हमारे, उससे हमने मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई थी। कच्चे मकान बनते थे इंदिरा आवास में, हमने पक्के, तो 1 लाख में पक्का मकान जिसमें 50,000 सरकार भरती, 50,000 हितग्राही से लेते, 2.5 एकड़ तक को लिया था, उसी से प्रधानमंत्री आवास योजना पक्की बनी। कमल जी, कांग्रेस तो जो है वो गांधी जी को अपनी बापोती मानती थी। देखिए, कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर 60 साल राज कर गई, लेकिन गांधी जी के विचार को धरती पर इस देश में नहीं उतारा, बल्कि उनके विचार के विपरीत काम किया। गांधी जी चाहते थे स्वच्छ भारत, इन्होंने 60 साल में गंदगी गंदगी की देश में, एक शौचालय नहीं बना पाए। हमारी माता मैंने लोटा लेके बाहर जाती थी, 10 बार उठ बैठ लगाती थी, आंखों को पाप लगता था, देश के लोगों को माथे पे कलंक था, वो नहीं मिटा पाए। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते से जो काम 60 साल में नहीं कर पाई, 5 साल में। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो गांधी जी भी कहते थे कि जो किसान है, जो खेतीहर है, उस जमीन पे उसका मालिकाना नहीं। दूसरा, गांधी जी कहते थे सुशासन आना चाहिए, तो कांग्रेस ने सुशासन की जगह भ्रष्टाचार शासन दिया। तो कांग्रेस ने गांधी जी के नाम का नकली गांधी बनकर, गांधी जी के नाम का फायदा उठाकर दोहन करके देश को बर्बाद कर दिया। मुट्ठी भर लोगों को अरबपति खरबपति बना दिया, खुद बन गए और देश पीछे हो गया। अभी कमलनाथ जी ने कहा था ना कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस पार्टी का कोष 172 करोड़ और भारतीय जनता पार्टी को 7 साल हुए और 1,700 करोड़। तो मैंने कहा यह अंतर है, उन्होंने कहा यह अंतर है कांग्रेस बीजेपी। हमने कहा सही अंतर है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश पार्टी और फिर हम। और जितना भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वो सहयोग करते हैं, आजीवन सहयोग निधि हमारी एक व्यवस्था है, और जो भी पूरी पारदर्शिता के साथ पार्टी में जमा होता है, इसलिए हमारी पार्टी का पोस्ट बढ़ा। और कांग्रेस के अंदर पार्टी देश या कहीं भी पार्टी डूबे डूबे हमको चाहिए, और इसलिए इनके कोष बढ़ गए, इनके बैंक बैलेंस बढ़ गए, गांधी परिवार से लेकर कमलनाथ जी तक के अरबपति हो गए और पार्टी कंगाल हो गई। तुम्हारा जो चंदा आया वो तुमने अपनी जेब में भरा, पार्टी में जमा नहीं किया, इसलिए तुम्हारी पार्टी की छोटी हो गई और कोष छोटा हो गया। और हमारे यहाँ 100% हमारे कार्यकर्ता और नेता जमा करते हैं, इसलिए हमारी पार्टी भी बड़ी हुई और पार्टी का कोष भी बढ़ा और विश्वसनीयता बढ़ी और तुम्हारी विश्वसनीयता खत्म हो गई, तुमने अपने कोष बढ़ाया। इसीलिए कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर नकली गांधी बनकर गांधी परिवार और इन्हें राज करते रहे, लेकिन गांधी जी के विचार को एक भी भारत में लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी देशभक्ति, समाज सेवा और अपनी विश्वसनीयता व्यक्तित्व के कारण, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारे लिए पहले राष्ट्र, पार्टी फिर हम। और इसलिए समाज और राष्ट्र के लिए हमने योजनाएं बनाई, और गांधी जी का सपना अगर किसी ने साकार किया है तो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 6 साल में, मोदी जी ने 7 साल में, हमने किया है। और सच्चे गांधीवादी कांग्रेस ही नहीं है, वो तो नकली है, असली सच्चे गांधीवादी कुछ देश में कोई है, प्रधानमंत्री हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई, जिससे गाँव गाँव में 2000 की आबादी, 1500 की आबादी, 1500 तक की आबादी पक्की सड़कों से जुड़ी। 60 साल में 1 किलोमीटर भी गांव में पक्की सड़क तो क्या कच्ची भी नहीं बनाई कांग्रेस ने। और गांधी जी कहते थे गांव के विकास से देश का विकास होगा, किसान इस देश की रीढ़ है, लेकिन गांव को और किसानों को और गरीबों को बर्बाद किया कांग्रेस ने 60 साल में। गाँव की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ शहरों की। और इसलिए मुट्ठी भर शहर के लोगों के पास उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय, उन्हें सब्सिडी का लाभ उन्होंने लिया, क्योंकि गाँव शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, गाँव की कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं थी।
पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लाया जैसे मैंने बताया, और अब 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में लागू हो गई। ड्रोन कैमरे सर्वे होगा, आबादी और लाल डोरा कहलाता है, जो भी गांव बसे हैं देश में वो आबादी में बसे हैं लाल डोरे में, और को मिलेगा, और इसलिए मालिकाना हक दे रहे हैं उनको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना निःशुल्क, और ड्रोन कैमरे से सर्वे होंगे गरीब से झोपड़ी से लेकर बड़े से बड़े तक का। तो जैसे ही वो मालिक बनेंगे तो कलेक्टर गाइडलाइन से उनकी प्लाट की कीमत और उनके मकान की कीमत होगी, और जितने की कीमत होगी 1 लाख से लेकर करोड़ों तक, उतना का वो बैंक में गारंटी में रख के लोन लेने के अधिकारी होंगे, तो वो उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। अगर छोटा व्यक्ति है तो मकान बनाना, तो उसके लिए लोन मिलेगा, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी, जो मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी अभी तक सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के अलावा किसी को कुछ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं सुनिए, और उसके अलावा उद्योग धंधा व्यापार व्यवसाय कर सकेंगे। तो अब गांव के लोग, अब मोदी जी ने गांव के विकास के द्वार खोले, सही मायने में गांव को आजादी अब मिली है, गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी और गांव के लोग खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग कर सकेंगे। जुड़ा हुआ सवाल है कि ये सब काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, किसानों के हित में हो रहे हैं, कृषि कानून भी लाए गए, फिर इसका विरोध क्यों किया लोगों ने? देखिए, जिस प्रकार 370 अनुच्छेद हटा, पूरा देश खुश, यहाँ तक कि अब कश्मीर के जो मुस्लिम समाज है वो भी अब खुश हुए हैं, क्योंकि पहले उनका शोषण होता था, वहाँ आतंकवादियों का कब्जा था, और अब वहाँ नागरिकों का राज है। पंचायत चुनाव में देखा, उसमें भारतीय जनता पार्टी पंच से लेकर सरपंच तक और जनपद तक जीते हैं, तो अब उनको समझ में आया, कायदे से आज़ादी अब मिली उनको, और अब कश्मीर का विकास भी हो रहा है, कश्मीर में फंड जा रहा है उसका, नहीं तो पहले फंड जाता था वो आतंकवादियों के पास चल जाता था, मुट्ठी भर नेता पूरा खा जाते थे, तो कश्मीर का विकास नहीं हुआ, कुछ नेताओं का विकास हुआ, जैसे कांग्रेस के नेताओं का विकास हुआ, और कांग्रेस का नहीं और देश का भी नहीं हुआ, तो अब वहाँ के लोग भी सपक्ष में, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है। तो इस प्रकार हर देश हित के काम में कांग्रेस के नेता विरोध करते हैं, और इसी प्रकार किसानों के हित में मोदी जी ये कानून लेकर आए, 3 कानून, इससे किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलता, लागत से ऊपर घाटे की खेती से लाभ के धंधा बनता। मोदी जी ने 2024 तक किसान की आय 2 गुना करना है, ये घोषणा की तो खाली घोषणा नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी वो करनी एक है, कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है, और इसलिए उन्होंने किसान की, छोटे किसान देखिए, देश में जितने किसान हैं 86% किसान लघु और सीमांत हैं, यानी 5 एकड़ से नीचे हैं, 86% 100 में से। मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान हैं, उसमें से 75 लाख किसान 5 एकड़ से छोटे हैं, उनके लिए किसान सम्मान निधि लेकर आए। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो फसल बीमा योजना आई, मोदी जी बने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए, तो ये किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में 75 से 78 लाख किसानों को मिल रही है। आज तक कांग्रेस ने 60 साल में इन किसान, जो छोटे किसान, इनको 1 रुपया नहीं दिया, और इसलिए किसान की खेती घाटे का धंधा थी और कर्ज में आता था, किसान इसलिए आत्महत्या करता था। आप बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमको 1.25 साल हुआ, एक भी आदमी ने आत्महत्या नहीं की, और नहीं तो कांग्रेस के राज में गलत नीतियों के कारण कितने लोग आत्महत्या करते थे, और कांग्रेस ने तो किसानों को कर्ज माफी का नारा देकर 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, किसने कहा था? राहुल गांधी ने, लेकिन ये थूक के चाटने वाले लोग हैं, नहीं किया, और इसलिए जनता ने इनको धोखा दिया, तो जनता ने धक्का दिया, हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आते से ही, हमने मुख्यमंत्री शिवराज जी ने आते से ही 1 सप्ताह के अंदर 2200 करोड़ जमा किया, जिसके कारण बीमा मिला, और बीमा भी 4500 करोड़ स्वीकृत हुआ था, उसकी जांच करा करा के हमने 5,562 करोड़ दे दिया, यानी 1,062 करोड़ ज्यादा। बड़ा काम कर दिया मूंग वाला, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है उसको लेकर, किसान बहुत खुश हैं। देखिए, मूंग कहीं नहीं, हम जैसे ही सत्ता में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीमा का पैसा दिया तो 9,000 करोड़ दे दिया हमने किसानों को, वो कब का, 18 और 19 का, जो कमलनाथ जी को देना था, इन्हें प्रीमियम किसानों की ओर से जमा करना पड़ता प्रदेश सरकार को। किसान से हम लेते हैं 2% खरीफ में और 1.5% रबी में, बाकी अगर 15% लगता है तो 13% प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार देती है, तो 13% 6.5% स्टेट गवर्नमेंट को जमा करना था, 2200 करोड़ इन्हें नहीं किया, उसके बाद भी हमने और जमा किया, जिससे किसानों को 9,000 करोड़ मिल जाना था 19 में ही, लेकिन कमलनाथ जी की गलत नीतियों के कारण उन्होंने किसान विरोधी हैं, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, बोले खाली खजाना, और इसलिए पैसा नहीं जमा हो, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी बनते से 1 सप्ताह में और अभी तक हम 9,000 करोड़ दे चुके हैं। कांग्रेस के पास किसानों के लिए खाली खजाना और आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़, कमलनाथ जी बुजुर्ग होने के बाद में हीरो हीरोइन के साथ कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचाने के लिए तुम्हारे पास समय है, 700 करोड़ है, लेकिन किसानों के लिए खेत में जाने का समय नहीं, ये तुम्हारी दोहरी दोगली नीति,
और इसलिए तुम्हारी जनता में विश्वसनीयता खत्म हो गई और इसलिए तुमको धक्का दिया सत्ता से बाहर किया किसानों ने। जैसे ही मैं कृषि मंत्री बना मेरे पास एक फाइल है। तो कहते हैं षड्यंत्र करके हमको सत्ता से हटा दिया। नहीं नहीं नहीं, किसानों की बद्दुआएं लगी, धोखा दिया तुमने, हर वर्ग के साथ धोखा किया। किसानों से कहा 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। महिलाओं से कहा कि तुम्हारा जो स्वसहायता समूह है, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट हो, कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, उनके वोट लेके आ गए। इसके बाद युवाओं से कहा रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000 रुपये महीना। 1 रुपया बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बल्कि छिंदवाड़ा के अंदर ढोर चराने की ट्रेनिंग और बैंड बजाने की ट्रेनिंग के कॉलेज खोले। जब मैं छिंदवाड़ा गया था किसान आंदोलन में, और मैंने वहाँ कहा था कि नहीं तो हमारे, हम तो किसान के बेटे, हम तो ढोर चराने जानते गाँव के लोग, ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। और इसलिए अब कांग्रेसियों को ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, इसलिए हम इस ये 2 महीने के अंदर इनके किसानों के और सब वर्ग की बद्दुआएं लगेगी। महिलाओं को कहा था, बुजुर्गों से कहा था कि पेंशन देंगे तो 1000 रुपये नहीं किया, इसे सबकी बद्दुआएं लगी। मैंने कहा ये आएंगे पूरे कांग्रेसी अब इकट्ठे हो, छिंदवाड़ा जाओ और कमलनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ ढोर चलाने की और बैंड बजाने की ट्रेनिंग लो। अब हमेशा आप ढोरी और बैंड ही बजाते रहोगे, अब सत्ता में नहीं आओगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने मेरे मूंग वाले आपको भी मूंग से तोला लोगों ने मैंने देखा। देखिए पिछली बार कोरोना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं हमारे नेता कि कोई भी संकट आता तो घबराने की जरूरत नहीं, उसका सामना करो, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करो और उसको अवसर में बदलो। कोरोना के संकट में लॉकडाउन हो गया, पूरा उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय सब ठप हो गए, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, कार्यालय बंद हो गए लॉकडाउन। और ऐसे समय में सिर्फ खेती चालू थी, किसान गाँव के अंदर खेत में मेहनत कर सकता था, तवा डैम में पानी था, लेकिन मैंने सिंचाई विभाग से बात करके छुड़वाया। उस समय मैं मंत्री नहीं बना था, विधायक ही था, शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए थे। और उसके बाद कमिश्नर ने रोक दिया, होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर ने, बोले लॉकडाउन है 15 अप्रैल तक, इसलिए पानी नहीं दे सकते, कर्मचारी को नहीं लगा सकते, कुछ कोरोना फैल गया तो क्या होगा। मैंने बात की कमिश्नर से, मैंने कहा गाँव में कोई कोरोना नहीं है, किसान खेत में रहेगा तो पसीना बहाएगा, मजदूरों को काम मिलेगा, खाद भी दवाई की दुकान चलेगी, किसान के जेब में पैसा होगा तो रोजगार। और तवा बोले साहब 15 अप्रैल के बाद, तो मैंने कहा 15 अप्रैल के बाद क्या चार डालेंगे, बोनी करना तो 1 अप्रैल के पहले ही कर, पहले सप्ताह में करेंगे, तब तो 2 महीने में आएगी, बारिश आ जाएगी। तो बोले सर मैं तो नहीं कर सकता, आप अपने पॉलिटिकल निर्णय लीजिए। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और मुख्यमंत्री जी को जब मैंने बताया कि साहब तवा डैम में पानी है और किसान खेत में रहेगा तो शहर में नहीं आएगा तो कोरोना नहीं जाएगा, इकट्ठे भी नहीं होंगे और मजदूरों को काम मिलेगा, और मजदूरों को भी मैंने कहा मेरे यहाँ मैंने ट्यूबवेल से 20 एकड़ में लगाया है तो 40,000 रुपये दे रहा हूँ, 2,000 रुपये एकड़, एक पति पत्नी को 20,000 रुपये महीना, 2 महीने में 40,000, अगर साल भर भी लॉकडाउन रहेगा तो वो भूखे नहीं रहेंगे, दोनों टाइम पर भोजन करेंगे, इतनी वैसे कितने मजदूरों को काम मिलेगा। और वैसे ही बारिश आने के बाद समुद्र में जाना है पानी छोड़ने के, नर्मदा जी के माध्यम, तो इसलिए छोड़वा दें। तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट में बात करके बताता हूँ, 2 मिनट बाद उन्होंने अनुमति दे दी और उसके कारण हरदा और होशंगाबाद में करीब 2,500 करोड़ की मूंग हो गई, 300-400 करोड़ मजदूरों को मिल गए और किसान की आर्थिक स्थिति ठीक रही। और सोयाबीन जो फसल खराब हुई उसका उनको नहीं तो कई लोगों की क्या स्थिति हो जाती कल्पना कर। इस बार भी हमने पानी छुड़वा, इस बार तो 3,30,000 में होशंगाबाद और हरदा में, 1.25 लाख हेक्टेयर में हरदा में, 2,08,000 हेक्टेयर में, 3,500 करोड़ की मूंग होगी। लेकिन जैसे ही बताते ना, देखिए कांग्रेस की गलत नीतियां रही शुरू से, और इसलिए जब किसान की फसल आती है खरीफ रबी और गर्मी, तो एक साथ किसान की फसल आते से खेत से या घर से सीधा वो मंडी ले जाता है बाजार में बेचने, और इसलिए माल ज़्यादा हो जाता, पूर्ति ज़्यादा हो जाती, व्यापारी कम रहते तो भाव डाउन हो जाते हैं। और किसान के पास जैसे ही व्यापारियों के पास जाती है, छोटे व्यापारी से बड़े व्यापारियों के पास जाती है, रिश्ता किसके पास जाती है, उसके बाद रेट बढ़ते हैं, तो किसान हाथ मलते रहता, काश में रोक लेता 4 महीने, लेकिन किसान की स्थिति ऐसी नहीं है कि रोक पाए। मैंने बताया कि 1,03,000 किसान में से 75 लाख किसान 5 एकड़ से छोटे हैं, थोड़े से किसान हैं जो बड़े हैं वो रोक लेते हैं तो वो फायदा उठा लेते थे, लेकिन छोटे किसानों को और सबसे ज़्यादा खेती घाटे की वही करते, कर्ज में वही आते, आत्महत्याएं वही करते हैं। और इसलिए उनकी चिंता हमने की, हमारी सरकार ने उनको सहायता भी दी है और उनकी फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया। और इसलिए मूंग की भाव 5,000 के अंदर आ गए थे, जबकि 7,196 रुपये समर्थन मूल्य घोषित था, उसके पहले 8,000 चल रहा था। और जैसी फसल निकल जाती किसान मजबूरी में बेच देता, क्योंकि 75% किसान छोटा, उसको तो खाद बीज दवाई के पैसे देना है, बेटे की फीस भरना है और दवाई स्वास्थ्य के इलाज कराना है, और इसलिए मजबूरी में जो भाव आता बेचता था। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, हमने केंद्र सरकार से बात की, पहले 34,000 मेट्रिक टन की खरीदी की अनुमति मिली,
समर्थन मूल्य पे, फिर हमने भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी से बात की, विवेक अग्रवाल जी वाइस सेक्रेटरी उनसे बात की और मुख्यमंत्री जी ने बात की, तब 1 लाख की हमको और अनुमति मिल गई और अभी नरेंद्र सिंह जी ने कह दिया कि हम और दे देंगे अनुमति। और फिर मुख्यमंत्री जी और हमारे विभाग के अधिकारियों ने कहा साहब इतनी भारत सरकार तो 25% खरीद गई, बाकी का क्या होगा। हमने कहा बाकी का कुछ नहीं होगा, जैसे हमने पहले खरीफ में चना सरसों मसूर गेहूं के पहले फसल आती है 1 महीना, लेकिन खरीदी जाती थी गेहूं के बाद, और इसलिए 75-80% किसान मजबूरी में बेचता था, इसे भाव डाउन हो जाता था। इस बार पहली बार आजाद भारत में हमने समर्थन मूल्य से जब से खरीदी हुई पहली बार गेहूं से पहले खरीदा 15 मार्च से, हमने प्रस्ताव दिया कृषि विभाग, मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहमति दी और उसके कारण चना सरसों मसूर समर्थन मूल्य से 2-2 हज़ार रुपये, 2,500-2,500 रुपये ज़्यादा बिका, 500 रुपये ज़्यादा बिका, नहीं तो वो 2,000 रुपये कम बिकता। जब मैं मंत्री बना था उस समय सरसों का समर्थन मूल्य से नीचे 4,425 था, वो 2,500 से 3,800 बिक रही थी। चने का समर्थन मूल्य 5,100 था मसूर का, और वो 4,875 था, वो बिक रही थी 3,800। चूँकि कमलनाथ जी की गलत नीति थी, कमलनाथ जी ने क्या किया था कि छिंदवाड़ा में तो 19 क्विंटल प्रति हेक्टर खरीदने का निर्णय ले लिया और बाकी पूरे प्रदेश में 15 चना और सरसों 13 क्विंटल पूरे प्रदेश में। सरसों सबसे अधिक होती है ग्वालियर चंबल संभाग में, पूरे देश में सबसे अधिक, जैसे अपने यहाँ गेहूँ होते हैं ऐसे। और इसलिए किसान जबकि फसल होती है वो 20 क्विंटल से अधिक प्रति हेक्टर, तो 4,425 वो 13 क्विंटल तो 4,425 में बेचता था और एक दिन में 25 ही, और बाकी 7 क्विंटल उसको 2,500-3,000 में बेचना पड़ता था, तो इसलिए प्रति एकड़ उसको 1 से 1,500 क्विंटल का घाटा होता था। हमने उसको हटवाया लड़के अड़के और 20-20 क्विंटल कराया और उसके कारण, और एक सीमा थी कि 25 मनमोहन सिंह जी के समय की, एक दिन में 25 से क्विंटल खरीदेंगे तो आपके पास 1,000 क्विंटल तो 75 दिन आना पड़ता, इसलिए मजबूरी मंडी जाता फिर रेट कम होते, और वो चेंज करने के कारण पूरा माल हमारे पास आने लगा है ना समर्थन मूल्य पर, चना सरसों मसूर। तो व्यापारी को माल नहीं मिला, व्यापारी को माल नहीं मिला तो उद्योग को सप्लाई नहीं हुआ, उद्योग को सप्लाई नहीं हुआ तो उद्योग बंद हो गए, तो उद्योगपतियों को मजबूरी में समर्थन मूल्य से ऊपर बोली लगानी पड़ी और जब मांग बढ़ी तो रेट बढ़े, और जो सरसों 2,500 से 3,800 बिक रही थी 8 दिन के अंदर हमारे ये निर्णय लेने के बाद वो 4,500 न्यूनतम और 5,600 मैक्सिमम हो गई, और इस बार 4,850 रुपये समर्थन मूल्य सरसों का था वो बिक रही 6,800, चने का भी ऊपर बिक रहा है। इस प्रकार 10,000 करोड़ रुपए हमने किसान को ज्यादा दिलाए, और मोदी जी का सपना किसान की आय दोगुना करना 2022 तक मध्य प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, किसान की सरकार ने 21 में ही पूरा कर दिया। और ये मूंग में ये है 4,67,000 हेक्टेयर में मूंग बोए गए गर्मी के, पहली बार समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही है, नहीं तो 5,000 के अंदर आ जाते, 4,000 ही नहीं बिकते, 4,500 बिकता मूंग। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद दूसरे दिन 500 रुपये रेट बढ़ गए, फिर अभी 1,000 बढ़ गए, 7,200 तक चले गए, और मेरे को विश्वास है कि जैसे ही हम खरीदी शुरू करेंगे 8 दिन के अंदर ये 7,500 हो जाएगी, 8,000 तक जाएगी। तो इस प्रकार जहाँ 5,000 बिकना था अगर ये नीति खरीदी नहीं करते तो 5 के अंदर जाता तो 3,000 रुपये 2,000 रुपये क्विंटल किसान को घाटा होता, अब 2-3 हज़ार रुपये क्विंटल फायदा होगा, 6,56,000 मेट्रिक टन मूंग होने की संभावना है। और इस प्रकार कम से कम 2,000 करोड़ किसान को जो घाटा होने वाला था अब वो लाभ में बदल गया है, तो 2,000 करोड़ का फायदा होगा। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सत्ता परिवर्तन से, व्यवस्था परिवर्तन, नीति परिवर्तन से किसान को लाभ देना। कांग्रेस मुट्ठी भर व्यापारी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाती थी और भारतीय जनता पार्टी करोड़ों किसानों को पहुंचा रही, ये अंतर है। और इसलिए कांग्रेस की गलत नीति के कारण 60 साल में उद्योगपति मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों हैं और पूरा देश गरीब है। किसान अनाज पैदा करता है, इस कोरोना संकट के समय में भी अगर किसान भी कल्पना करो लॉकडाउन कर देता तो दोनों टाइम का भोजन सब्जी दूध हमको कहाँ से मिलता, 130 करोड़ लोग जिंदा कैसे रहते। और इसलिए 130 करोड़ लोगों को जिंदा रखने वाला कोरोना संकट के समय किसान है, इसलिए किसान का सम्मान होना चाहिए, हम उनको प्रणाम करते हैं। उनके लिए हमने नीतियों में परिवर्तन किया और उनको लाभ दिलवाया, अब खेती लाभ का धंधा बन रही है और आने वाले समय में 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना हम किसान को आय बढ़ाएंगे और विकेंद्रीकरण करेंगे, यानी लोकतंत्र में बहुमत का साथ देना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। कमल जी आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी और क्या क्या काम आप कर रहे हैं ये बताया, समय हमारे पास आज इतना ही था, आप स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और आपने जो बातें कमल पटेल जी ने कही हैं आपने सुना ही होगा किस तरह से खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए दिन रात मध्य प्रदेश सरकार लगी हुई है, कमल पटेल साहब लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो इनका सपना है वो जल्दी साकार हो ताकि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो चैन की नींद सो सकें। आज बस इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़, नमस्कार।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।